So, hello and good morning to all of you. So, today we will discuss about the range. So, range के बारे में हम अभी भी थोड़ा देर पहले आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है. रेंज के सारे आइडियाज जो थे हमारे पास, ठीक है, रेंज निकालने के हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, उसके बारे में. तो अब हम आगे क्या देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास रेंज में कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाने पड़ते हैं कभी कभी ना, कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शन दे देंगे जिसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस के ऑलरेडी पहले से, मतलब हम उसको कम्प्लीटली तुरंत सॉल्व नहीं करके फंक्शन को पहले कुछ मानना पड़ता है मुझे ना. अगर वैसा करने पे वो एक नया फंक्शन के फॉर्मेट ले लेगा, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है. इसके बारे में देखिएगा हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, ठीक है. तो रेंज ऑफ क्या आप लिखेंगे नेक्स्ट, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. फाइंड पास फाइंड द रेंज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ना. इस पर देखिएगा, मैं आपको बता दूँ क्या मुझे करना होता है ना. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया रहेगा ना, कोई एक फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन में हमारे पास क्या है कि मतलब पूरे फंक्शन में एक न्यू फंक्शन इन्वॉल्व है जो हर जगह पे आ रहा है हमारे पास, जो हर जगह पे आ रहा है. एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर मैं आपसे बोल दिया कुछ भी बोल दिया ना, जैसे मैंने बोल दिया पास, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जानते ही हैं. अगर मैंने बोल दिया पास कितना साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना है पास टू साइन एक्स, ठीक है. साइन एक्स का प्लस कितना मैंने बोल दिया आपने फाइव बोल दिया, मैंने बोला ये फंक्शन इसका रेंज निकाल दिया. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे कि साइन एक्स को क्या मान लेंगे आप, टी मान लेंगे. मतलब क्या होना चाहिए कि जो पूरे फंक्शन है, पूरे फंक्शन में कोई एक सिंगल फंक्शन, कोई एक सिंगल फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए. क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व. अगर सिंगल फंक्शन इन्वॉल्व है तो समझ जाइए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस सिंगल फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है. चलिए बेटा, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन से दिखाता हूँ हम लोग क्वेश्चन से कैसे काम करते हैं, ठीक है. तो देखिएगा कैसे हम लोग काम कर रहे हैं. चलिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ कितना है, देख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, ठीक है, नाइन टू द पावर एक्स माइनस फोर थ्री टू द पावर एक्स, सॉरी फोर इंटू कितना है थ्री टू द पावर एक्स, प्लस कितना हमारे पास है, प्लस कितना बेटा सेवन, प्लस कितना है सेवन. एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि दिख पा रहा है नहीं पा रहा है ना, ठीक है ना. तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है और हमें इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है. तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए आप. अगर हमने आपसे बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, नाइन टू द पावर एक्स है माइनस फोर इंटू थ्री टू द पावर कितना है एक्स है, प्लस कितना है सेवन है ना, ध्यान दीजिएगा आप इसको सेवन है. तो हम क्या करने वाले हैं कि क्या मैं इसी एफ एक्स वैसा लिख सकता हूँ, मैं कितना थ्री के पावर कितना एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं. और ये माइनस फोर इंटू कितना है थ्री के पावर कितना है एक्स, प्लस कितना है सेवन. तो सब में थ्री के पावर एक्स लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे थ्री के पावर एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी. थ्री के पावर एक्स को क्या कर देंगे बेटा, पुट टी, पुट टी कर दिया. अगर हमने टी पुट कर दिया, ये देख लिया थ्री के पावर टी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बेटा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो टी क्या होगा, जीरो से बड़ा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब सारे रियल नंबर के लिए हमारे पास टी कितना होगा, जीरो से बड़ा. अब जो नया फंक्शन हमारे पास आ गया वो एफ टी का आ गया, किसका बेटा एफ टी का आ गया, एफ टी का आ गया, देख लीजिए आपको कितना है, ठीक है, टी का कितना आ गया स्क्वायर माइनस कितना फोर इंटू कितना आ रहा है पास टी का फोर्टी, प्लस कितना आ रहा है सेवन आ रहा है, प्लस कितना आ रहा है सेवन, हो गया इतना. अब यहाँ पर हम लोग इसका ना क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे, रेंज निकालेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे कब टी से जीरो से बड़ा के लिए, जीरो से बड़ा के लिए इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे. वैसे तो मैं बता दूँ ये क्वाड्रेटिक था, हम लोग चाहते तो रेंज सीधा लिख देते हैं. टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वन है, वन दैट इज पॉजिटिव, और बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का निकालता तो कितना आया था, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी नेगेटिव आ जाता तो कितना हमारे पास आया था, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कोई जरूरत ही नहीं है. मतलब कितना आया था, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो रेंज होता है माइनस डी अपॉन फोर इसी इन्फिनिटी. याद है आपको क्वाड्रेटिक का, मैंने आपको पहले जो रेंज का पहला क्लास था हमने उसी में आपको बताया था, तो वैसे मैं निकाल सकता था लेकिन यहाँ नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि ये सारे टी के लिए नहीं है, जैसे कुछ टी के लिए है जब टी का वैल्यू क्या है जीरो से बड़ा है, जब टी का वैल्यू क्या है जीरो से बड़ा है, हर टी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया,
ये एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस, वाई मतलब कितना हो गया टी हो गया, वाई मतलब कितना हो गया टी, सॉरी बेटा ये कितना हो गया टी हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया इसका मान वाई है, ठीक है ये हमारे पास कितना हो गया वाई, कोई दिक्कत अब देखिएगा, ठीक है अब टी में, तो टी का वैल्यू जीरो से बड़ा मतलब ग्राफ इसके इधर का ग्राफ जो भी वाई के वैल्यू को कंटेन करेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, तरह से ग्राफ बढ़े जब बढ़ेगी मैंने जब इसका सबसे पहले देखिए वर्टिक्स कहाँ पे, वर्टिक्स चला रहा हूँ वर्टिक्स होता है माइनस बी अपॉइंट टू ए से लेकर माइनस डी अपॉइंट कितना फोर ए, तो माइनस बी यानी कितना फोर, यानी कितना फोर अपॉइंट कितना टू इंटू वन कितना प्लस टू, और माइनस डी तो माइनस हो गया डी बी एस का माइनस फोर ए सी कितना प्लस होता है सोलह माइनस अट्ठाईस, ठीक है बी एस का माइनस फोर ए सी कितना प्लस माइनस बारह हो गया, ये तो हो गया तो माइनस बारह अपॉइंट कितना फोर इंटू ए कितना वन, यानी हमारे पास कितना आ गया फाइनली ये हमारे पास आ गया ये तो गया दो तो कितना आ गया टू, और ये कितना आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस चार की बारह थ्री टू कोमा थ्री एक्स बराबर वन टू, ये कितना वन टू थ्री, यानी ये हमारे पास कितना आ गया पॉइंट, ये पॉइंट है और टी का वैल्यू कितना है पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कैसे रहेगा ऐसे और इधर कितना रहेगा ऐसे, ठीक है तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या चाहिए जीरो से लेकर इन्फिनिटी, जो से जीरो से लेकर कितना टी का वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी गया, तो ग्राफ इसके जीरो से लेफ्ट वाला ग्राफ तो आपके पास नहीं होगा, जीरो से लेफ्ट वाला आपके पास ग्राफ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ अब इसकी अकॉर्डिंग देखिए कि सबसे मतलब क्या वैल्यू आया है, ठीक है तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा वो कहाँ पे आएगा इस वर्टिक्स पे आएगा एक्स बराबर टू पे वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे तीन है, कितना होगा तीन है, इसके बाद इसकी इधर भी चलोगे तो वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, देख लो तो वाई का वैल्यू क्या होगा बढ़ रहा है, ठीक है और यहाँ पे चलोगे तो वाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा आप कहीं भी चलो टी के वैल्यू डालते रहो वाई का वैल्यू बढ़ता रहेगा, इसका मतलब क्या होगा वाई का वैल्यू इन्फाइनाइट तक जा सकता है लेकिन कहाँ से लेकर तीन से लेकर, कहाँ से लेकर तीन से लेकर, तो जो फाइनल हमारे पास जो रेंज है वो फाइनल हमारे पास कितना रेंज है वो कितना आ गया हमारे पास थ्री से लेकर कितना जो रेंज है कितना कितना है जो हमारे पास रेंज है कितना आ गया क्लोज इंटरवल थ्री से लेकर इनफाइनाइट, अब क्लोज इंटरवल क्यों, ठीक है यहाँ पर टी जो था जीरो ओपन इंटरवल में लेकिन मेरा जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर थोड़ी मिल रहा है मिनिमम वैल्यू तो मेरा टू पर मिल रहा है, जीरो से टू पे जाते समय जीरो से टू में टू तो एक्जैक्टली मिला ना मुझे एक्जैक्टली टू पे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा यानी कितना पर हमारे पास थ्री है, तो रेंज का वैल्यू कितना हो गया थ्री से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए आप, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरीके से बन रहा है, ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है एक्स माइनस वन है, ठीक है एक्स माइनस वन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस कितना है फाइव और कितना बेटा एक्स माइनस सेवन, ये तो क्वेश्चन आपके पास एक्स बराबर, अच्छा देखिए आप जैसे पाँच तीन आठ सात एक आठ तो आप ऐसा कर लीजिए इसको थोड़ा सा एलिमेंट कर लीजिए रेंज निकालना इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप, ठीक है जिसको एलिमेंट कर लीजिए एक्स माइनस वन के साथ एक्स माइनस सेवन को रख लेंगे और एक्स माइनस थ्री के साथ कितना आपका एक्स माइनस फाइव को रख लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा एट एक्स प्लस कितना आ रहा है सेवन, यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा एट एक्स और कितना आ रहा है पंद्रह, कितना लोग पंद्रह एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इसमें भी है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इसमें भी है, हम लोग क्या करिए पुट कर लिया कितना एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स क्या हमने पुट किया टी, क्या पुट किया टी, अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि टी कहाँ से कहाँ तक है ये भी तो पता होना चाहिए ना, तब इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लिया किसका इसका, ठीक है एक्स स्क्वायर कितना हो गया जीरो, इसमें अगर आप इसको जीरो कर दें तो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं ना, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एट एक्स, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है क्या करना ग्राफ ड्रॉ करना है इसका एक्स ग्राफ का, ठीक है तो ये कितना मतलब माइनस डी बाई माइनस बी बाई टू है ये तो होता है कितना होता है माइनस बी बाई कितना टू है और माइनस डी बाई कितना हो गया फोर है, ठीक है इसका क्या होता है ये चीज मतलब वर्टेक्स होता है तो माइनस बी आई कितना हो गया एट अपॉन कितना हो गया टू एट टू इंटू वन कितना हो गया चार, ये तो चार आ गया माइनस डी बाई फोर है तो माइनस कितना हो गया डी, डी कितना हमारे पास माइनस डी फोर ए सी ना बी एस पर माइनस फोर ए सी, तो बी एस पर कितना हो गया पास सोलह सॉरी चौंसठ सिक्सटी फोर माइनस फोर ए सी, सी तो जीरो है तो काम खत्म हो गया था डिवाइड कितना पास फोर ए फोर इंटू कितना
वन, ये थे तो सोलह चौका चौंसठ, सोलह का माइनस सिक्सटीन, बताएंगे माइनस सिक्सटीन, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू फोर, एक्स का वैल्यू वन टू थ्री फोर, ठीक है ना। वाई का वैल्यू कितना हो, मान लो यहाँ पर कितना है माइनस सोलह, जिसके अकॉर्डिंग ये और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यानी ग्राफ ये बन गया, ठीक है। ग्राफ हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ हमारे पास ये बन गया, कोई दिक्कत। यहाँ से क्यों पास किया, क्योंकि अगर एक्स जीरो पुट करोगे जीरो इंटू जीरो टी बराबर जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना हो गया, ये ग्राफ हो गया टी का और एक इसका पास एक्स का, मतलब ये सॉरी ये एक्स का और एक इसका टी का। अब देख लो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है, माइनस सोलह से लेकर कहाँ तक इनफाइनाइट, माइनस सोलह से लेकर कहाँ तक इनफाइनाइट। तो मतलब क्या हो गया, हमारे पास सर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स है बराबर है टी, जो टी फाइनल वैल्यू आ रहा है इस वे बिलोंग्स टू कितना पास, माइनस सोलह से लेकर कहाँ तक इनफाइनाइट तक, माइनस सोलह से लेकर कहाँ तक इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसका जो टी का जो वैल्यू आ गया माइनस सोलह से इनफाइनाइट तक, अब जिसको सॉल्व करेंगे माइनस सोलह से लेकर इनफाइनाइट तक ही मुझे सॉल्व करना है ना। अब आगे देख लेते हैं सर, ठीक है। अब इधर इतना कम हो गया है तब देख लीजिए इसको फटाफट, ठीक है। उसको यहाँ सॉल्व कीजिए, अब इसको टी मान लिया हुए हैं, अब कितना आ गया हमारे पास, अब नया आ गया हमारे पास कितना एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी एन कितना, वाई मान लीजिए इसको वाई बराबर कितना एफ ऑफ टी, और फंक्शन क्या बन जाएगा बताओ, टी प्लस सेवन कितना बन जाएगा आपके पास, टी प्लस कितना सेवन, और दूसरा और फिर क्या बन जाएगा आपके पास, टी प्लस कितना, टी प्लस कितना फिफ्टीन, टी प्लस कितना आपके पास फिफ्टीन, ये तो हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया बताना, टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया सात, बारह सात कितना हो गया बाईस, सर पंद्रह सात कितना बाईस ना, हाँ सर पाँच बारह, ठीक है बाईस कितना टी, आप पंद्रह सौ पचहत्तर एक सौ पाँच, ठीक है ठीक है बेटा। चलिए तो वाई का वैल्यू आ गया, अब इसमें हमें फिर से इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर से क्या बनाना पड़ेगा ग्राफ, लेकिन इस बार जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा टी का और वाई का, तो टी का क्या माइनस सोलह से आगे का बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पे इनके माइनस सोलह है, माइनस सोलह से लेकिन इन्फिनिटी, अगर ग्राफ जो है इसी तरह का होगा तो चलेगा काम, इसी तरह का होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए इसका देखिए एक फीसर क्या है, टी स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, और जो हमारे पास जो वर्टिक्स होगा, जो वर्टिक्स होगा बेटा कितना होगा पास पता ना, माइनस बी बाई टू से लेकर माइनस डी बाई कितना फोर, यही तो हो रहा है, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू एन कितना आ रहा है, माइनस बाईस बेटा कितना पास बताना, माइनस बाईस बट बाईस कितना आ गया पास, टू इंटू वन यानी कितना आ गया माइनस ग्यारह, कितना आ गया माइनस ग्यारह, वर्टिक्स कितना आ गया माइनस ग्यारह, यानी कम से कम इसके इधर कहीं ना कहीं वर्टिक्स होगा, या तो ऊपर होगा नहीं नीचे नीचे होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वाई डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा वाई, कितना माइनस ऑफ डी, डी कितना हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर सी, यानी बाईस का स्क्वायर, ठीक है माइनस फोर इंटू ए तो वन है, सी कितना है एक सौ पाँच, एक सौ कितना होगा पाँच, अकाउंट कितना आ गया फोर इंटू वन, तो बाईस का स्क्वायर कितना आ गया बताना, बाईस इंटू बाईस कितना आ गया बताना, चार 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 चार, ये कितना आ गया चार आठ चार, ये तो हो गया चार आठ चार, माइनस कितना हो गया पाँच से मल्टीप्लाई करो पाँच है, पंचो कितना आ गया बीस, पंचो कितना आ गया बीस, चार के चार आ गया कितना है चार, चार सौ बीस, घटा दिए कितना आ रहा है सिक्सटी फोर, कितना आ रहा है सिक्सटी फोर आ रहा है ना, ठीक है। तो कितना आ गया माइनस पहले से था, ये कितना आ गया सिक्सटी फोर अपन कितना फोर, ये कितना आ गया सोलह, ये कितना आ गया माइनस सोलह, कितना आ गया माइनस चौंसठ, ठीक है माइनस कितना बेटा सोलह, यानी हमारे पास कितना हो गया माइनस ग्यारह माइनस सोलह, यानी कहीं कहीं नीचे होगा ना, मान लीजिए भी माइनस सोलह है, तो ये हो गया वर्टेक्स, कितना हो गया पास माइनस ग्यारह माइनस सोलह, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ ओपन है ना, तो कितना हमारे पास हो गया बताना, ये हमारे पास कितना हो गया, ये इस तरीके से और कुछ ये इस तरीके से जाएगा अपना है नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं, तो जो रेंज है वो सोलह से इसके राइट का, जिधर का तो ग्राफ होगा नहीं, इधर ग्राफ नहीं होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि माइनस सोलह मिनिमम कितना जाएगा माइनस सोलह, ठीक है। और ये कहाँ तक चला जाएगा बेटा पास इनफाइनाइट, देख लो इसके बाद अगर यहाँ से पुट करोगे तो ये वैल्यू, यहाँ से पुट करोगे ये वैल्यू, यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस सोलह, इसके बाद जो भी पुट करोगे तो वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है घट नहीं रहा, जैसे ये है तो इसके अकॉर्डिंग 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 ये पास नहीं रहा, तो वैल्यू धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो जो रेंज हो गया फाइनल कितना हो गया, रेंज जो हो गया आपके पास, ठीक है फाइनल कितना हमारे पास माइनस सोलह से लेकर इनफाइनाइट, माइनस सोलह से लेकर इनफाइनाइट क्लोजिंग वैल्यू, बस यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये भी माइनस सोलह से इनफाइनाइट था, ऐसा नहीं कि ये है इसलिए वो माइनस सोलह से इनफाइनाइट है, उसके लिए तो अलग से देखना पड़ा, वो तो अलग बात है कि वो भी माइनस सोलह से क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया है ना। चलिए ठीक है,
हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेंज निकालने का ये लास्ट तरीका है ना, लास्ट क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, कहीं कहीं पे आप किसी चीज़ को ना ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में पुट कर लेंगे, वहाँ से भी निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन तो उससे भी बनते हैं, बट वैसा क्वेश्चन अगर आप सामने आएगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। हम क्या बता रहे हैं कि अब क्या हमारे पास अर्थमेटिक मेन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मेन, ठीक है, इससे भी हम लोग रेंज निकालते हैं। तो यार देखिए जैसे क्या हमारे पास है, ठीक है, हमने बोल दिया कि लेट, ठीक है, ए एंड बी बिगिनर टू पॉजिटिव के पास नंबर, टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है, देन कितना है पास ए प्लस बी, ठीक है, देन कितना होगा पास अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आता है ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया पास में। हमने यहाँ क्या लिख दिया, इक्वालिटी होल्ड, ठीक है ना, होल्ड इफ, ठीक है, ए बराबर बी पर क्या होगा इक्वालिटी होल्ड होगा, ठीक है ना। क्या देख लीजिए, दैट इज अर्थमेटिक इन दो नंबर का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में कितना टू और ए ग्रेटर देन और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा रूट एंड ए बी। तो आप इसको याद रखेंगे, इसको क्या याद रखना है आप पास, इसको याद रखना है आप पास, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन में इससे भी हम लोग क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं इससे, रेंज निकालते हैं। तो इसमें रेंज का कैसे काम करेगा वो समझिएगा, रेंज निकालने के लिए हम लोग इसमें काम करते हैं ना, एक समझिएगा ना, मैं आपको इसमें कुछ नोट पॉइंट भी लिखा दे रहा हूँ, नोट पॉइंट कर देना। सबसे पहले तो आप अर्थ में जब कब कब डिसाइड करेंगे, सबसे पहले ना, ठीक है वेन, ठीक है, मतलब क्या पास वेन क्या पास वन नंबर मतलब ए वन नंबर मतलब एज रिटन इन रेसिप्रोकल फॉर्म, इन रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, अदर रेसिप्रोकल ऑफ अदर मतलब बी, ठीक है, एक नंबर दूसरे का अगर रेसिप्रोकल दिया रहेगा ना, तो वैसे में क्या है हम लोग इसको तो इसमें यूज करेंगे, देन कर देंगे यूज क्या पास एम रिटर्न ऑर्डर जी एम, एम कितना हो गया पास रिटर्न ऑर्डर टू जी एम, ठीक है ना। ये तो पहला हो गया, दूसरा इसमें देखिएगा, ठीक है, फॉर इक्वालिटी अगर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन पर बराबर जो भी आपने किया, तो यहाँ पर इक्वल बेटा आ गया आपके पास, क्या आ गया इस बी कितना आ गया, जैसे एक ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा आंसर इसको सॉल्व कर रहे थे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, तो ये जो इक्वल लग जा रहा है बार बार, ये जो इक्वल लग रहा है ना, इस इक्वल को चेक करने के लिए ना, ठीक है, देखिए मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, दोनों नंबर को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्या लिखा है फॉर इक्वालिटी, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, मतलब फॉर इक्वालिटी, ठीक है, टेक कितना है ए बराबर बी, ए और बी को दोनों क्या लेना है बराबर लेना है, ए बी को क्या लेना है वो बराबर लेना है, ठीक है, इक्वालिटी ए बी को क्या लेना है बराबर लेना है, ठीक है, देन तो हाँ फॉर इक्वालिटी, ठीक है, ए बराबर बी, ठीक है, देन वी मस्ट क्या फाइंड मतलब अ वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब जो आप निकाल रहे हो अगर टी में है तो टी का कम से कम इक्वालिटी होल्ड करने पर टी का कुछ वैल्यू आने चाहिए, ठीक है, वी मस्ट फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर पास फॉर इक्वालिटी। अगर जैसे मान लिया जाए, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्या बताएगा अगर हमारे पास तो ये क्वेश्चन दे दिया और हम उसमें क्या करना चाह रहे हैं, रेंज निकालना चाह रहे हैं, तो रेंज निकालना चाह रहे हैं, हमने रेंज निकाल दिया, लेकिन रेंज जब भी निकालोगे तो उसमें इक्वालिटी लगा रहेगा, ठीक है, अगर इक्वालिटी लगा रहेगा तो अगर हमने क्या किया उसको सिर्फ उसको लास्ट में सिर्फ चेक जरूर करना होता है, तो चेक करने से क्या फ़ायदा होगा आपके पास, जैसे ही आपने इक्वालिटी देखा, ठीक है, दोनों ए और बी को बराबर कर दिया, ए और बी को बराबर कर दिया, तो अगर हमने बराबर किया और वहाँ से अगर एक्स का कोई वैल्यू हमारे पास आ गया, एक्स का कोई वैल्यू हमारे पास आ गया, तो समझिएगा कि वो जो इक्वालिटी है वो 100% इक्वालिटी लगा हुआ है। और अगर ऐसा चेक करने पर अगर वो इक्वालिटी नहीं होल्ड किया, अगर इसका कोई वैल्यू नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वालिटी नहीं लगा रहेगा, और नहीं लगा रहेगा इसका मतलब क्या है, रेंज ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा,
अगर आपने इक्वालिटी लगा दिया तो ये पता चल गया एडजेक्टिव टू से राइट, टू से आगे। लेकिन अगर इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, अगर इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है तो हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि टू से बड़ा होगा। आप ये बोल दोगे सर ठीक है इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी को हटा दो, इक्वालिटी नहीं है इक्वालिटी को हटा दो, अब ये तो बोलोगे। तो हमने बोला चलो ठीक है इक्वालिटी को हटा दो लेकिन दो से बड़ा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप कोई नंबर बोलो जो दो के जस्ट बगल में हो, जो दो के जस्ट बगल में। अगर आप ये बोल दोगे सर हम ये बता देंगे कि 1.999999 सॉरी दो से जस्ट बड़ा, यानी कितना 2.00005 टाइम्स जीरो, जीरो के बाद बंद कर देंगे। मैं बोला और भी कोई क्लोज जा सकता है टू का, कैसे जा सकता है 2.00000 एक लाख बार जीरो लिख के बंद कर देगा, एक लाख बार जीरो लिखकर बंद कर देगा, तो वो तो और ज़्यादा दो के पास जा रहा है। तीसरा आदमी है बोलेगा हम एक करोड़ बार जीरो लिख के वन के पास जाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या वन एक करोड़ बार जीरो लिख के वन लिखेंगे तो वो और दो के पास जा रहा है। तो कोई मतलब बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं है, अगर यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो हर बच्चे क्या कर रहे हैं दो के पास इधर से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, दो से यहाँ से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहुँचना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इन्फाइनाइट हमारे पास क्या होते हैं अनकाउंटेबल रियल नंबर होते हैं, अनकाउंटेबल रियल नंबर होते हैं। इसी कारण है कि हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे इसके पास टू के पास, ठीक है, अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो, ठीक है, इसलिए वहाँ पर फिर रेंज ही उसका नहीं होगा, फिर उसका रेंज इस मेथड से निकालेंगे, फिर उसका रेंज हम लोग नए मेथड से निकालेंगे, ठीक है।